हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल मई 2024 में एग्जाम दे रहे हो तो एडमिट कार्ड पे एग्जेम्पशन शो कर रहा है, क्या एग्जेम्पशन चेक करना चाहिए? जी हाँ स्टूडेंट्स, चेक करना है। अगर आपको एग्जेम्पशन विंडो में एग्जेम्पशन शो नहीं कर रहा है देन आपको मेल करना होगा ICAI को, नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर एग्जेम्पशन विंडो पे एग्जेम्पशन शो नहीं कर रहा है और आप एग्जाम देने नहीं जाते हो तो आपका रिजल्ट आएगा भी नहीं। नवंबर 22 में एग्जेम्पशन आया हो या मई 23 या नवंबर 23 में आया होगा सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का एग्जाम देते समय और आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ होगा तो मई 24 के एग्जाम में एग्जेम्पशन का बेनिफिट उठाओ। जिस भी पेपर में आपका एग्जेम्पशन होगा चेक कर लो। सीए फाइनल के स्टूडेंट सीए फाइनल के मेल आईडी पर मेल करेंगे और सीए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट के मेल आईडी पर डिटेल में मेल करेंगे। एडमिट कार्ड पे एग्जेम्पशन डिटेल लिखा होगा, वहां पे लिखा होगा क्लियर कि आपको एग्जेम्पशन स्टेटस चेक करना है। अब दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में बात करेंगे, परमानेंट एग्जेम्पशन। जिनको एग्जेम्पशन आया होगा मई 22 के एग्जाम में और नवंबर 23 में लैप्स्ड हो रहा होगा तो नवंबर 23 के एग्जाम के बाद परमानेंट विंडो ओपन किया गया था। जो स्टूडेंट्स परमानेंट एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई किए थे वो भी स्टूडेंट्स को चेक करना है। अगर वहां पे शो नहीं करेगा तो आपके स्क्रीन पर मेल आईडी शो कर रहा है, उस मेल आईडी पर मेल करेंगे। क्या आपका एग्जाम मई 22 में था? इंटरमीडिएट एंड फाइनल का मई 22 में एग्जाम दिए हो, उस समय एग्जेम्पशन आया और अभी तक आपका ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, वैसे स्टूडेंट्स जो इस बार नवंबर 23 में उनका एग्जेम्पशन लैप्स्ड हो जाता है वो मई 2024 का एग्जाम दे रहे हैं सी इंटरमीडिएट एंड फाइनल का, तो एग्जाम फॉर्म फिल के दौरान या उसके बाद एक परमानेंट विंडो को ओपन किया गया था, स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे उनको ही चेक करना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।